नमस्कार, मैं दर्पण आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर आनंदरीन कॉलेज आगरा से हूँ और आपका स्वागत करता हूँ इस सत्र में। ये सत्र हमें ये बताएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिताएं हैं और किस प्रकार से ये काम करता है। जैसा कि आप सबको ध्यान होगा, 18वीं सदी जो थी वो औद्योगिक क्रांति की सदी कहलाई। 19वीं सदी में जब टेक्नोलॉजी आई तो स्टीम इंजन ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, और जो अब की सदी जो कही जाती है वो सूचना क्रांति की सदी कही जाती है। सूचना क्रांति का अर्थ ये हुआ कि किस प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्क एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को पहुंचाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकता है, इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क को जानना हमारे लिए आवश्यक है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है? कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ है विभिन्न कंप्यूटर डिवाइसेस एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ी रह सकती हैं, जिससे डेटा और इन्फॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ पहुंचाई जा सके। साथ ही विभिन्न संसाधन कंप्यूटर के हम किस प्रकार से जोड़ के रिमोटली उनको उपयोग में ला सकते हैं, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क अपनी एक भूमिका निभाता है। जो कंप्यूटर डिवाइसेस को जोड़ने के जो कनेक्शंस होते हैं वो कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन कहते हैं। वायर्ड का अर्थ है जहां पर एक तार या प्रत्यक्षदर्शी हमारे पास सुविधा होती है जिसे हम देख सकते हैं, उन्हें हम वायर्ड कनेक्शन कहते हैं। जिस प्रकार दूसरे जो होते हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन होते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन का अर्थ है जहां पर कोई भी तार ना हो और हवा के माध्यम से हम डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर भेजते हैं। इस प्रकार जब हम आगे बढ़ें तो हमें ये ध्यान में आना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के उद्देश्य क्या हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य है दो कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में डेटा का प्रवाह करना। इस डेटा के प्रवाह में जो ध्यान रखने वाली बातें होती हैं वो होती है एक विश्वसनीयता, जिसे रिलायबिलिटी कहते हैं। साथ में ही जब हम डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेजें तो उसमें कोई एरर ना हो, तो एरर फ्री डिलीवरी करना भी हमारा उद्देश्य होगा। इसके बाद तीसरा जो उद्देश्य आता है वो है गारंटी डिलीवरी, मतलब अगर एक डिवाइस से डेटा भेजा जाए तो वो दूसरी डिवाइस तक पहुंचे जहां हम उस डेटा को भेजना चाहते हैं। अगला जो इसका उद्देश्य है वो है इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। इंटीग्रिटी ऑफ डेटा का अर्थ हुआ जिस प्रकार से एक डिवाइस ने डेटा भेजा वही डेटा दूसरी डिवाइस ने रिसीव किया, बीच में उस डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। अगला जो इसका उद्देश्य है वो है कंजेशन फ्री डिलीवरी। इसका अर्थ है जब एक से ज्यादा डिवाइसेस, एक से ज्यादा नेटवर्क नोड आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक ही रास्ते से जब डेटा भेजना चाहेंगे तो ये संभावना है कि वो नेटवर्क पाथ कंजेस्टेड हो जाए। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे हाईवे पर एक से ज्यादा गाड़ियां आती हैं तो वहां जाम लग जाता है, यही काम कंप्यूटर नेटवर्क में भी हो सकता है। तो कंजेशन ना हो इसकी चिंता करना भी हमारा उद्देश्य है कंप्यूटर नेटवर्क के उद्देश्यों में से एक। अगला जो हम अब समझेंगे वो कुछ टर्मिनोलॉजी, जिन शब्दों का हम प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्क के लिए सामान्यतः करते हैं। पहला शब्द है नोड या होस्ट। सामान्यतः नोड और होस्ट का अर्थ है कोई भी नेटवर्क डिवाइस जो नेटवर्क से जुड़ी हो उसे हम नोड या होस्ट कहते हैं। नोड या होस्ट सामान्यतः हर नेटवर्क डिवाइस कंप्यूटर नोड कहलाती है। इन नोड को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, एक श्रेणी क्लाइंट और एक श्रेणी सर्वर। क्लाइंट का अर्थ है जिसे किसी विशेष प्रकार की सर्विस की आवश्यकता होगी तो वो अपनी आवश्यकताओं को एक मैसेज के माध्यम से सर्वर तक पहुंचाएगा। सर्वर का अर्थ हुआ एक ऐसी मशीन जो कंप्यूटर नोड का काम करेगी और क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट को अपने सिस्टम के माध्यम से प्रोसेस कर एज अ रिस्पॉन्स क्लाइंट तक वापस पहुंचाएगी। उदाहरण के लिए हम जब google.com खोलते हैं तो एक ब्राउजर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें google.com का होम पेज ओपन करके दे। तो इस प्रकार से जब हम ब्राउजर के ऊपर google.com लिखकर एंटर दबाते हैं तो हम एक रिक्वेस्ट पहुंचा रहे हैं गूगल के सर्वर तक। गूगल का सर्वर उस रिक्वेस्ट को समझता है, समझने के पश्चात प्रोसेस करके
उस रिक्वेस्ट का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो रिस्पॉन्स क्लाइंट तक पहुंचाता है। तो ये क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर कंप्यूटर नेटवर्क में एक मुख्य आर्किटेक्चर भी कहलाता है। अगला जो शब्द है वो है सर्विस। सर्विस देना काम सर्वर का है। सर्विस का अर्थ है सर्वर द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। ये सेवाएं सामान्यतः रिक्वेस्ट के आधार पर दी जाती हैं जो क्लाइंट से आती है। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट देता है उस रिक्वेस्ट को एक मुख्य तरीके से लिखा जाएगा। उस मुख्य तरीके से लिखी हुई रिक्वेस्ट को सर्वर पहचानता है। उसी के प्रकार अपने प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस करने के बाद जो रिस्पॉन्स होगा वो क्लाइंट तक पहुंचाएगा। तो जो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट की गई सर्वर को, उस सर्विस को उस सर्वर के द्वारा क्लाइंट तक पहुंचाना, ये उस सर्वर की जिम्मेदारी होगी और हर सर्वर अपनी सर्विस को पहुंचाएगा। इस सर्विस के आधार पर हम विभिन्न सर्वरों को भी बांटते हैं। जैसे वेब सर्विस जो देता है उसे हम वेब सर्वर कहते हैं, जो मेल सर्विसेज देते हैं उन्हें हम मेल सर्वर कहते हैं, जिन सर्वर के माध्यम से हम फाइल ट्रांसफर करते हैं उन्हें हम फाइल सर्वर कहते हैं। इस प्रकार से बहुत प्रकार की सर्विस के आधार पर हम सर्वर को बांट सकते हैं। डेटा ट्रांसफर रेट एक तीसरा शब्द है जो मुख्यतः कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग में लाया जाता है। डेटा ट्रांसफर रेट का अर्थ है कितना डेटा पर सेकेंड एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचता है, उसे हम डेटा ट्रांसफर रेट कहते हैं। आज के समय में आप सब लोग जानते हैं 2G, 3G, 4G नेटवर्क का जमाना है। इसका अर्थ यही है कि हम कितनी तेजी से कितना ज्यादा डेटा एक मशीन से दूसरी मशीन तक भेज सकें, इसे हम डेटा ट्रांसफर रेट कहते हैं। अब हम नेटवर्क आर्किटेक्चर को समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, नेटवर्क आर्किटेक्चर में सामान्यतः दो एंटिटी होती हैं, एक क्लाइंट दूसरा सर्वर। सर्वर के पास सर्विसेज होती हैं। सर्विसेज का अर्थ है ऐसे प्रोग्राम जो किसी एक मुख्य रिक्वेस्ट के लिए बने हैं। सर्वर का अर्थ ये हुआ कि वो क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट को पहले चेक करेगा। चेक करने के बाद उस रिक्वेस्ट में से वो डेटा फेच करेगा और उस डेटा के आधार पर प्रोसेस करकर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को क्लाइंट तक पहुंचाएगा। लेकिन इन सारी क्लाइंट सर्विस आर्किटेक्चर में मुख्य चीज, जैसा मैंने आपको बताया, कि क्लाइंट जब रिक्वेस्ट देगा उस रिक्वेस्ट का एक फॉर्मेट होगा, उस रिक्वेस्ट का एक नियम होगा। इसलिए इन नियमों के सेट को हम सामान्यतः प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल का अर्थ हुआ कि ऐसे नियम जिन नियमों का पालन करकर क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करें। जब हम नियमों की बात करते हैं अर्थात प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो प्रोटोकॉल को जो जिम्मेदारी है वो है डेटा फॉर्मेटिंग की। डेटा फॉर्मेटिंग का अर्थ है जो डेटा क्लाइंट से सर्वर तक पहुंचाना है उसे किस प्रकार से अरेंज करना है। दूसरा जो प्रोटोकॉल काम करेगा वो काम है डेटा ट्रांसफर को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना। तीसरा जो मुख्य काम है वो ये है कि हर सर्विस के लिए किस प्रकार से पूरा का पूरा कम्युनिकेशन गवर्न करना है, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन किस प्रकार से क्लाइंट और सर्वर के बीच में चले, इसको मॉनिटर करना, इसको मैनेज करना, इसकी रिलायबिलिटी चेक करना, ये सारे काम किसी भी एक प्रोटोकॉल के होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, SMTP, FTP, Telnet, ये कुछ प्रोटोकॉल हैं। ये प्रोटोकॉल सामान्यतः TCP, UDP, इन प्रोटोकॉल के माध्यम से और साथ में ही इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से अपनी सर्विसेज को फॉलो करते हैं। दूसरा विषय जो आज के इस चर्चा का है वो है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क क्या होता है। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का अर्थ है कि एक माध्यम से एक नोड जब अपना डेटा उस नेटवर्क में जुड़े हुए सारे नोड तक पहुंचाए, तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन और ऐसे नेटवर्क को हम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क कहते हैं। जैसे हम लोग टेलीविजन देखते हैं, टेलीविजन में जब आप लोग लाइव मैच देखते हैं तो उस मैच का जब हम प्रसारण करते हैं तो वो सिग्नल एक नोड से जितने भी कनेक्टेड टेलीविजन होते हैं उन सारे टेलीविजन तक वो डेटा पहुंचता है। तो ये एक उदाहरण है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का। इस चित्र में सामान्यतः आपको दिख रहा है, जो हम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क देख रहे हैं,
जो रूटर हैं, जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, वो डेटा को अपने से कनेक्टेड सारी डिवाइसेस तक पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार के नेटवर्क को हम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क कहते हैं। दूसरी तरह का जो नेटवर्क है उसे हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का अर्थ हुआ उस नेटवर्क में से केवल दो नोड आपस में जुड़े रहेंगे, मतलब नोड एक से नोड दो के बीच में ही डेटा ट्रांसफर होगा, इसके अलावा कोई भी दूसरे नोड तक वो डेटा नहीं पहुंचेगा। उदाहरण के लिए टेलीफोन कनेक्शन, जब हम टेलीफोन कनेक्शन करते हैं तो उस नेटवर्क में सिर्फ दो नोड आपस में जुड़े होते हैं जो बातें करते हैं, इसे हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहते हैं। जैसे हम लोग जब फाइल ट्रांसफर करते हैं, फाइल डाउनलोड करते हैं, तब भी हमारा कनेक्शन एक ही नेटवर्क के नोड से होता है, अर्थात हमारा और उस सर्वर के अलावा वो डेटा कहीं और नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार के नेटवर्क को हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहते हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इन्हें समझते हैं। क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क दो नोड के बीच में है, इसीलिए कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इसमें कोई कंजेशन नहीं होगा, कोई रूटिंग नहीं करनी है, इसमें कोई भी और बर्डन नहीं आने वाला है। दूसरा इसका जो एडवांटेज है वो है लेस इंटरफेरेंस। क्योंकि कोई दूसरा नोड अपना डेटा नहीं देगा, इसलिए जो दो नोड के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसमें कुछ भी समस्या आने वाली नहीं है। तीसरा, फॉल्ट होने की गुंजाइश कम हो जाएगी, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि फॉल्ट टॉलरेंस अच्छा है। जो आखिरी इसका एडवांटेज है वो है लोअर लेटेंसी। लेटेंसी का अर्थ हुआ एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें आने वाले रेजिस्टेंस को हम लेटेंसी कहते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ये डिले की वजह से, प्रोसेसिंग की वजह से, एक नोड से दूसरे नोड तक डेटा पहुंचने में होने वाली देरी की वजह से आता है। तो सामान्यतः इन सबको मिला के हम कंप्यूटर लेटेंसी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि दो नोड के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो यहां पर लेटेंसी कम होगी। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज है कि ये खर्चीला ज्यादा है। जब हम कंप्यूटर में खर्चीले की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि जितनी रिसोर्सेस से जितना काम लिया जाना है हम उतना नहीं ले पा रहे हैं। इसे अंग्रेजी में एक्सपेंसिव भी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ दो नोड के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो जो रिसोर्सेज मल्टी नोड पर काम कर सकती हैं वो रिसोर्सेज केवल दो नोड के बीच में काम कर रही हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कम हो रहा है, क्योंकि जिन रिसोर्सेज का ज्यादा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे उनका हम उतना यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, तो हम इसे अंडर यूटिलाइजेशन भी कह सकते हैं। अगला जो हमारा विषय है वो ये समझना है कि जब हम एक नोड से दूसरे नोड के बीच में कम्युनिकेशन करें तो वो कनेक्शनलेस होगा या कनेक्शन ओरिएंटेड होगा। जैसे इस स्लाइड में एक समस्या है कि हम नोड ए से नोड डी के बीच में डेटा कैसे भेजें। तो यह कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड का काम क्या होगा इस समस्या से हम समझते हैं। इसके दो तरीके हुए। कनेक्शन लेस का अर्थ हुआ कि ए और डी के बीच में पहले एक कनेक्शन बने। कनेक्शन का अर्थ हुआ ए के लिए जो कनेक्शन उपलब्ध है इस नेटवर्क में वो है ए से 4, 4 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से डी। या तो ए इस पूरे के पूरे रास्ते से अपना डेटा पहुंचाए या जो जो भी रास्ता उपलब्ध हो उस रास्ते से अपना डेटा ए से डी तक पहुंचाया जा सकता है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड का अर्थ हुआ पहले ए और डी आपस में उपलब्ध रास्तों में से कोई एक रास्ता एस्टेब्लिश करें और ए उसी रास्ते से अपना पूरा डेटा भेजे। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन सर्विस को हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस कहेंगे। इसमें क्या होने वाला है कि ए और डी जब अपना पूरा एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे तो सारी रिसोर्सेज तब तक इंगेज रहने वाली हैं। तो वो जो बीच के जो नोड्स हैं वो कोई दूसरा और इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए ए और डी के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद जब हम डेटा भेजेंगे
तो ये अंडर यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। दूसरा जो प्रकार है वो कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस का अर्थ हुआ ए अपना डेटा उपलब्ध माध्यमों में से किसी भी माध्यम में या किसी भी रास्ते पर भेज सकता है और वो सारा डेटा डी तक पहुंचकर वहां पर रीअसेंबल होगा और डी उस डेटा को रिसीव कर सकता है। जैसे इस चित्र में कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क का एक उदाहरण दिया गया है। फोन को अगर लिंक बनाना है तो फोन के लिंक में आपने ये देख रहे हैं कि एक से ज्यादा बीच के इंटरमीडिएट ऑफिसेस दिख रहे हैं। तो फोन का जो सब्सक्राइबर लूप है, पहले फोन से लेकर एंड ऑफिस तक लिंक होगा, उसका एक नोड आगे के लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस तक कनेक्ट होगा और जितने भी बीच में लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिसेस आते हैं उनके बीच में एक कनेक्शन बनता है और वो कनेक्शन फाइनली रिसीवर तक एस्टेब्लिश होता है। जैसे हम जब फोन करते हैं तो हमारी डायल टोन आप लोगों ने सुनी होगी, उस डायल टोन में का मतलब ही ये है कि ए से लेकर बी तक का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए। उसमें कुछ समय भी लगता है, जब हमारा रिसीवर फोन उठाता है वो कनेक्शन पूरा हो जाता है और डेटा उसी कनेक्शन से बी तक या रिसीवर तक पहुंचता है। ये दूसरा जो चित्र है ये हमें कनेक्शन लेस सर्विस का बताता है। इस कनेक्शन लेस सर्विस में डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में बांटा जाता है और वो पैकेट नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर दिए जाते हैं। ब्रॉडकास्ट का अर्थ हुआ वो उस नेटवर्क में पैकेट आगे बढ़ जाएंगे जो माध्यम मिलेगा उस माध्यम से, और वो पैकेट दूसरे एंड पर जाकर रिसीवर एंड पर जाकर अगेन रीअसेंबल होंगे और उनको अरेंज किया जाएगा उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में उसको सेंडर से भेजा गया है। इस प्रकार रिसीवर पूरे के पूरे डेटा को रिसीव कर सकता है और इस माध्यम में पैकेट किस रास्ते से आया है ये ना बी को पता होगा ना ए को पता होगा, जो उपलब्ध रास्ता होगा उस उपलब्ध रास्ते से पैकेट को आगे भेजा जाएगा। अब इसके बाद कुछ नेटवर्क डिवाइसेस पर हम चर्चा करते हैं, जैसे ट्रांसमिशन मीडिया क्या होते हैं, हब क्या होते हैं, ब्रिजेस क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, राउटर्स क्या होते हैं और सर्वर्स क्या होते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया का अर्थ है कि सिग्नल को एक एंड से दूसरे एंड तक कैसे पहुंचाया जाए। सामान्यतः इसको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक है गाइडेड दूसरा है अनगाइडेड। गाइडेड का अर्थ हुआ वायर्ड कनेक्शन और अनगाइडेड का अर्थ हुआ वायरलेस कनेक्शन। गाइडेड का अर्थ हुआ कि हमें ये पता है इस माध्यम से हम डेटा कहाँ तक पहुँचाने वाले हैं। जैसे अगर दो कंप्यूटर के बीच में एक तार जुड़ी हुई है जिसे हम लोग नेटवर्क केबल कहते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सारा डेटा उस तार के द्वारा एक पर्टिकुलर सिस्टम तक ही पहुंचेगा, तो इसे हमने कहा गाइडेड क्योंकि गाइड किया गया है। दूसरा है अनगाइडेड मतलब वायरलेस, इसका अर्थ ये हुआ कि वो ब्रॉडकास्ट होगा माध्यम में, सामान्यतः इसमें तार का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे वाईफाई, वाईफाई में उस सिग्नल के पास कोई गाइडिंग नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि वो सिग्नल कहाँ जाएगा वो हवा में छोड़ दिया जाएगा, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा और वो उसी माध्यम से रिसीवर तक पहुंचेगा। गाइडेड मीडियम को तीन सामान्य वर्गों में बांटा जा सकता है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल का अर्थ है कि जो दो तार आपस में ट्विस्ट होकर आगे बढ़ेंगी, इसका उदाहरण है हमारी लैन केबल। दूसरा है कोएक्सियल केबल, इसमें एक सामान्य तार होती है जिसके चारों तरफ दूसरी तार लिपटी रहती है, इसका जो सामान्य उदाहरण है वो हमारे केबल टीवी की तार। तीसरा है फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसमें डेटा लाइट के माध्यम से एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचता है। अनगाइडेड मीडिया यानी वायरलेस मीडिया में हमारा जो माध्यम है वो एयर है, हवा है, हवा के माध्यम से ही हम अपने सिग्नल को एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचाते हैं। दूसरा जो नेटवर्क डिवाइस है वो हब है। हब का अर्थ है
कि जो विभिन्न नेटवर्क डिवाइस को जोड़े। इस हब में मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं और हर पोर्ट पर एक तार के माध्यम से हम नेटवर्क डिवाइस को जोड़ देते हैं। इसमें जब एक नोड डेटा भेजता है तो वो डेटा बाकी जितने भी नोड उपलब्ध होंगे उन तक वो डेटा पहुंचेगा। अर्थात हब का काम हुआ कि जो नेटवर्क पर या उसके एक पोर्ट पर एक नोड से डेटा आएगा वो बाकी पोर्ट पर या बाकी उपलब्ध नेटवर्क डिवाइसेस जो उस हब से कनेक्टेड है उसमें ब्रॉडकास्ट होगा। ये एक चित्र है हब का, जैसा आप देख रहे हैं, जिसमें 8 डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं। इसमें अगर एक डिवाइस डेटा भेजेगी तो वो डेटा बाकी 7 डिवाइसेस तक ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। अगला नेटवर्क डिवाइस है ब्रिज। ब्रिज जो एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका उपयोग विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने में किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे वो सारे नेटवर्क एक ही प्रोटोकॉल पर काम करने चाहिए। विभिन्न प्रोटोकॉल पर काम करने वाले नेटवर्क ब्रिज के माध्यम से नहीं जोड़े जा सकते हैं। ये एक ब्रिज का उदाहरण है जिसमें एक डेटाबेस सर्वर है, एक लैन सेगमेंट दिखाया है और एक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट दिखाया है किसी एक कंपनी का। ये सारे के सारे अलग अलग नेटवर्क हैं, क्योंकि ये सारे एक ही प्रोटोकॉल पर काम कर रहे हैं इसलिए हम इन सारे नेटवर्क को ब्रिज के माध्यम से जोड़ सकते हैं। अगली नेटवर्क डिवाइस है स्विच। स्विच को हम लोग मैक डिवाइस या मैक ब्रिज भी कहते हैं। मैक ब्रिज या स्विचेस का जो उपयोग होता है वो विभिन्न डिवाइसेस को एक किसी नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है और इन स्विचिंग के माध्यम से हम लोग ये एंश्योर कर सकते हैं कि डेटा कहाँ से कहाँ तक रूट किया जाए। अर्थात जैसा हब में था ब्रॉडकास्ट करना, आवश्यक नहीं है स्विच में वो ब्रॉडकास्टिंग हो। आप उस डेटा को गाइड कर सकते हैं कि वो डेटा कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगा। ये एक स्विच का चित्र है, ये सामान्यतः आप अपनी कंप्यूटर लैब में देख सकते हैं। अगली डिवाइस है राउटर। राउटर का अर्थ है रूट निर्धारण करने वाला डिवाइस। विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम राउटर का प्रयोग करते हैं। वो नेटवर्क एक प्रोटोकॉल पर काम करने वाले हों या विभिन्न प्रोटोकॉल्स पर। रूटर का एक और उपयोग है, वो ये एंश्योर करता है कि पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे। जैसे अगर नोड ए ने नोड बी को डेटा भेजना है और ए और बी के बीच में एक से ज्यादा रूट हैं, तो कौन सा रूट ऐसा चुना जाए जिससे डेटा एरर फ्री और जल्दी से बी तक पहुंच पाए। इस रूट का निर्धारण हम लोग रूटर के माध्यम से करते हैं। ये चित्र रूटर का चित्र है, सामान्यतः ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के कमरे में या सर्वर रूम में आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।